बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिमाग में किसी चीज़ को बिठाने के लिए सबसे अहम चीज़ जो होती है वो फोकस होता है, कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन के नहीं होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हम याद नहीं रख पाते और बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं, इसलिए कि हमारा फोकस नहीं होता, कंसंट्रेट हम उस चीज़ पर नहीं करते जिसकी वजह से हम वो चीज़ भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई आदमी घर आया और घर आने के बाद में वो उसके हाथ में गाड़ी की चाबी है और वो जो है बेख्याली में गाड़ी की चाबी इधर उधर रख देता है, उसको ख्याल नहीं होता कि उसने किधर रखा है। उसके बाद फिर बाद में जो है जब फिर बाहर जाने का मौका आता है तो वो गाड़ी की चाबी ढूंढता है, उसको याद नहीं आता कि उसने गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ना होने की वजह से और फोकस ना होने की वजह से आदमी बहुत सारी चीज़ें भूल जाता है। लेकिन अगर जिस वक्त घर में आया था और आने के बाद में चाबियों को रखा था तो जहाँ पर वो चाबी रख रहा था उस वक्त अगर तवज्जो के साथ में फोकस करके अगर उस जगह पर वो चाबी को रखता तो वो कभी नहीं भूलता कि मैंने चाबी कहाँ रखी है, ये बात आदमी कभी नहीं भूलता। तो फोकस जो होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, ये याद करने का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। और आम तौर पर हम जब याद करते हैं तो कोई भी चीज़ याद करते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेट की कमी होती है, फोकस हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमको वो चीज़ याद नहीं होती। वरना अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को दिमाग अता फरमाया है, कोई बच्चा बेवकूफ़ नहीं होता। लोग कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा कमज़ोर है, हमारा बच्चा नहीं पढ़ सकता। कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता, ये गलत बात है, कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता। असल में बच्चा जो है जब पढ़ता है तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, फोकस नहीं कर सकता है पढ़ाई के ऊपर, जिसकी वजह से उसके दिमाग में जो है पढ़ाई दाखिल नहीं होती, तो हम क्या समझते हैं कि बच्चा कमज़ोर है। अब बच्चा फोकस क्यों नहीं कर पाता है, उसके बहुत सारे असबाब हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उसको पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है, तो आप पढ़ाई को ऐसी बना दो कि पढ़ाई उसकी दिलचस्पी बन जाए, पढ़ाई उसके लिए एंटरटेनमेंट बन जाए, तो पढ़ाई को ऐसे बना दिया जाए। आम तौर पर होता क्या है कि हम रिवायती तरीक़े अपनाते हैं, मुख्तलिफ पुराने तरीक़ों से ही बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे को पढ़ाई चूँकि समझ में नहीं आती, जिसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। और वो जब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है तो वो अपने दिमाग में अपनी पढ़ाई को बिठा नहीं पाता, तो हम समझते हैं कि ये बच्चा कमज़ोर है, ये गलत बात है। हमको जो है बच्चे को पढ़ाई महबूब बनाने के लिए और पढ़ाई पसंदीदा चीज़ बनाने के लिए कुछ ऐसे काम करना चाहिए कि जिससे वो पढ़ाई को पसंद करने लगे, ऐसे काम करने चाहिए। तो खैर ये तो एक अलग टॉपिक है कि बच्चे को पढ़ाई क्यों नहीं पसंद आती है और वो कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पाता है, ये तो एक अलग टॉपिक है, मैं इसके ऊपर कभी और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। आज की जो वीडियो है मैं इस टॉपिक पर बनाना चाहता हूँ कि हमको फोकस कैसे करना है, हमारी पढ़ाई के ऊपर फोकस कैसे करना है। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, वो सवाल ये है कि आम तौर पर हम जो है फ़ोन हमारे पास होता है, स्मार्टफोन, हम में से हर एक के पास स्मार्टफोन है, तो हम जो है एक नॉर्मल आदमी दिन भर में 24 घंटे के अंदर कितनी मर्तबा व्हाट्सएप देखता है और कितनी मर्तबा फेसबुक देखता है, ये मेरा एक सवाल है। आप हजरात इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, इंशाल्लाह मैं भी इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हम अपनी पढ़ाई के अंदर कॉन्सेंट्रेट करें। तो कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई के अंदर कैसे आएगा, फोकस कैसे आएगा, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है जिसको अरबी में कहा जाता है अल-क़द्रुल काफ़ी मिनल मा, यानी पानी जितनी मकदार में लेने का है, हर इंसान को पानी जितनी मकदार में होने का है उतना पानी उसको रोज़ाना पीना चाहिए। अब किसको कितना पानी पीना चाहिए तो वो जो है हर इंसान के वज़न के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। जैसे कोई आदमी 100 किलो का है तो उसको ज़्यादा पानी पीने का है, और जो आदमी उससे कम वज़न का है तो उससे कम उसको कम पानी पीना है। आम तौर पर जो माहिरीन नफ्सियात वगैरह बयान करते हैं कि एक आदमी को सेहतमंद रहने के लिए कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए, 8 गिलास पानी तो उसको रोज़ाना पीना ही चाहिए, और जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको तो और ज़्यादा पानी पीना चाहिए, इसलिए कि हमारा दिमाग जो है
हमारे दिमाग का अक्सर हिस्सा पानी से लबरेज होता है, तो पानी की अगर कमी होगी तो हमारा दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, हमारा दिमाग फोकस नहीं कर पाएगा, तो फिर हमको याद नहीं होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं वो दूसरी चीज़ है तहदीदुन्नतीजा। मतलब ये है कि हम लोगों को रिज़ल्ट मुतय्यन करना चाहिए। रिज़ल्ट मुतय्यन करने का मतलब ये है कि जब हम पढ़ने के लिए बैठे तो हम ये सोचें कि मुझे इतना पढ़ना है, मतलब मुझे 5 सफ़े पढ़ना है या 10 सफ़े पढ़ना है या 15 सफ़े पढ़ना है। इस तरह से हम जो है अपना एक टारगेट मुतय्यन कर लें कि हमको इतना पढ़ना है। जब हम टारगेट मुतय्यन करेंगे तो फिर हमारे लिए कॉन्सेंट्रेट करना आसान होगा। इसलिए कि हमारा जहन जो है ना ये आज़ाद मिजाज होता है। अब अगर हम इसके सामने टारगेट नहीं रखेंगे तो ये आज़ादी के साथ चलेगा। 2 सफ़े पढ़ेंगे थक जाएगा, 3 सफ़े पढ़ेंगे थक जाएगा। लेकिन अगर हमने टारगेट मुतय्यन कर लिया कि मेरे को आज के दिन में 5 सफ़े पढ़ना है या मुझे आज के दिन में 10 पेजेस पढ़ना है, इस तरह से अगर हमने टारगेट मुतय्यन कर लिया तो फिर हमारे लिए फोकस करना बहुत आसान होता है। इसी तरह तीसरी चीज़ जिससे आदमी फोकस अपना बना सकता है, वो तीसरी चीज़ ये है कि इस्तेमाल अवकात तरकीज़। यानी यह है कि आदमी जो है दिन भर में बहुत सारे अवकात हमारे ऊपर ऐसे आते हैं कि हम उस वक्त जो है सुस्ती महसूस करते हैं। तो जब हम सुस्ती महसूस करते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता, तो उस वक्त हम जो है फोकस नहीं कर पाते पढ़ाई के ऊपर। तो हमको जो है अपने वक्त को देखना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर कौन सा ऐसा वक्त है जब मैं फोकस कर सकता हूँ, जब मेरा दिमाग चुस्त होता है। तो उस वक्त को जानकर अपने आप को देख लें हम कि हमारे 24 घंटे के अंदर हम कौन से वक्त में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। वो वक्त को देख लें और देख कर जो है उस वक्त में पढ़ने की कोशिश करें। उस वक्त में अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप फोकस कर पाएंगे। पांचवी चीज़ जो है जिससे आप फोकस कर सकते हैं वो है इब्तिदा अनिल मुशद्दिदात। मतलब ये है कि ऐसी चीज़ों से आप दूर रहिए और ऐसी चीज़ों से दूर रहकर आप पढ़ाई कीजिए जो चीज़ें आपको कॉन्सेंट्रेट करने नहीं देती है, जो आपके दिमाग को परागंदा कर देती है, जो आपके दिमाग को यानी ख्यालात में मुब्तला कर देती है। ऐसी चीज़ों से आप परहेज़ कीजिए और ऐसी जगह पर ना बैठिए। इसलिए बाज़ लोगों ने ये बात भी लिखी है कि खूबसूरत जगह पर जहाँ पर जो है हरियाली हो और जहाँ पर जो है खूबसूरत मनाजिर हो वहाँ पर बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए कि वहाँ पर बैठ के आदमी पढ़ेगा तो फिर जो है वो खूबसूरत मनाजिर को देखने में लग जाएगा, तो उसको पढ़ाई कहाँ से आएगी फिर। तो इसलिए जो है इब्तिदाई जाने मुशद्दिदात, तो यानी आदमी को जो है ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो उसके तवज्जो को हटा दे। तो तवज्जो को हटा देने वाली चीज़ों से दूर रहकर पढ़ना चाहिए। अब जब हम एक मरतबा पढ़ते बैठे हुए हैं और कोई चीज़ हमारे सामने आ गई जिसकी वजह से हमारी तवज्जो ख़त्म हो गई, अब हमारी तवज्जो ख़त्म हो गई तो फिर हमारी तवज्जो को लाने के लिए, किताब में तवज्जो पैदा करने के लिए 20 से 25 मिनट का टाइम लग जाता है। ये माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि 20 से 25 मिनट का टाइम तवज्जो को फिर से लाने के लिए लगता है। इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए पढ़ते वक्त जो हमारी तवज्जो को ख़त्म कर दे। मैंने शुरू में सवाल किया था कि एक आदमी, नॉर्मल आदमी दिन में जो है तकरीबन कितने मरतबा व्हाट्सअप देखता है, फेसबुक देखता है। तो आमतौर पर होता क्या है कि हम पढ़ते हुए कि फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, अब फ़ोन लेके बैठे थोड़ा सा हमने पढ़ा, इधर से घंटी बजी, व्हाट्सअप आया तो हमने फौरन जो है फ़ोन की तरफ देख लिया, तो उसकी वजह से हमारा जहन फ़ोन की तरफ चले गया और पढ़ाई से हमारा जहन हट गया। तो पढ़ाई से जब एक मरतबा हमारा जहन हट गया तो फिर 20 से 25 मिनट लगते हैं हमारे जहन को फिर से वापस आने के लिए। इसलिए जो है इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। एक नॉर्मल आदमी अपनी 24 घंटे के अंदर 77 मरतबा व्हाट्सएप या फेसबुक को देखता है, 77 मरतबा। आप कितनी मरतबा देखते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए।